Good evening, everyone. मैं हूँ डॉक्टर सिद और ये है डॉक्टर ईशानी. वेलकम टू संजीवनी. और आज हम आपको संजीवनी का एक टूर पे लेके जाएंगे. संजीवनी के टूर पे प्राइवेट टूर और हम आपके प्राइवेट टूर गाइड्स. हाँ, और आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट रूम्स दिखाएंगे. कहाँ ऑपरेशन होता है, कहाँ सर्जरी होती है, कहाँ पे सिर्फ हम हार्ट बीट चेक करते हैं, कहाँ पे हम सिर्फ रोमांस करते हैं और कहाँ पे बड़ा पाव खाते हैं. यस, सो चलिए हमारे साथ और आपको पूरा संजीवनी जो 44 फ्लोर हॉस्पिटल है वो दिखाएंगे. हाँ, दो विंग्स हैं, आज हम आपको एक ही विंग दिखाएंगे. सो ये हमारा स्लाइडिंग डोर है, आप देख सकते हैं. आराम से आ जाइए. एंड ये एंटर हम हो चुके हैं. यहाँ लेफ्ट में आप देखिए, इट्स वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इन द कंट्री. आर्टिस्ट का नाम डॉक्टर शानी बता सकते हैं. तो मुझे नहीं पता, बट खैर हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो हमारे सब जानते हैं संजीवनी के डॉक्टर डॉक्टर शशांक और उनकी बेटी डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी शांतनी जी प्ले कर रहे हैं. उनके नाम यहाँ पे हैं और एक दिन हमारा भी नाम होगा, डॉक्टर ईशानी, डॉक्टर सिड और सबका. फिलहाल तो सारे एडीज के नाम दिए गए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका नाम भी कहीं तो आए. यस, परमानेंटली. दिस इज वन ऑफ द सेक्शंस जहाँ पे जैसे ये हैं, हम इनके साथ रिपोर्ट्स के पैसे वैसे एक्सचेंज करते हैं. रिपोर्ट्स यहाँ पे हो जाती है, जो क्या बोलते हैं जब हम खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज रिपोर्ट, सॉरी. और वो ये है कि इस सेट की जो एंट्री है वो हमारे गणपति बप्पा के साथ होती है. Correct. आप देख सकते हैं, सो सेट की एंट्री, हॉस्पिटल की एंट्री इन गणपति बप्पा के साथ है. तो आप लोग सब छुप जाइए. तो ये देखिए, गणपति बप्पा इज एट द एंट्रेंस एंड देन वी हैव क्योंकि पेशेंट्स और जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए सबसे पहले प्रेयर्स के लिए दे हैव अ लिटिल टेंपल एंड भगवान के पास हाथ जोड़ के प्रेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है हर हॉस्पिटल में. इट गिव्स पॉजिटिव वाइब्स एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव आइडल. दैट्स राइट. और हमारे पास एक और आइडल है यहाँ पे. ऊपर देखिए हमारे हनुमान जी जो हाथ में अपने साथ संजीवनी बूटी उस पहाड़ में जहाँ पे वो पूरा पहाड़ ही लेके आए थे, तो वो स्कल्पचर बनाया गया है. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द संजीवनी हॉस्पिटल सेट. सबसे खूबसूरत पार्ट मुझे ये लगा, आई मीन अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, जो इतना ग्रैंड सेट हमने बनाया है उन लोगों ने, मतलब यू नो, आई थिंक दिस इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ इट. अब आपको ले चलते हैं हम थोड़ा फर्दर अहेड और अब हम जाएंगे एक और रिसेप्शन एरिया में. इट्स एक्चुअली द नर्स स्टेशन, तो जहाँ पे सारे नर्सेज अपने ड्यूटीज पे जाते हैं और जब पेशेंट्स को भी अंदर लेके आते हैं तो सबसे पहले यहीं रिपोर्ट होते हैं और उन्हें भेजा जाता है. ये कुछ लिफ्ट्स हैं जो हमें ऊपर भी लेके जाती हैं, बाय द वे 44 फ्लोर तक. 43 वरदान का रूम है और बाकी सारे रूम्स हैं. सो दिस इज दैट. बट लिफ्ट की असलियत भी है कि लिफ्ट मैन्युअली ऑपरेट होती है, तो पीछे दो आदमी खड़े होते हैं जो ऐसे खोलते हैं और बंद करते हैं और ये सारी नई बातें बताते हैं. हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, ये हमारी नर्स वन है, नर्स टू है और ये पेशेंट्स का भी रोल करते हैं. ये कभी अपने पेट में इनको जब जुलाब लग जाते हैं तब ये वैसे आते हैं वो प्रॉब्लम लेके, और इनको थोड़ा सा दारू पीने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इनके लंग्स को हम लिवर को सही कर रहे हैं इस समय. हाँ, हम लोग वी डू एवरीथिंग और यहाँ पे हम फ़ोन करके ऊपर का हालचाल पूछ लेते हैं कि कौन सा पेशेंट जिंदा है, कौन सा पेशेंट कितना बीमार है. ओके, एनीवे, बट टू बी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दिस इज अ नर्स स्टेशन, काइंड ऑफ अ रिसेप्शन एरिया ऑल्सो. काफ़ी सीन्स हमारे यहाँ पे होते हैं. द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट रूम. एक्चुअली ये रूम है जो काइंड ऑफ समटाइम्स ओटी के लिए होता है, ऑपरेशन थिएटर, आप जानते ही हैं ओटी. सर्जरीज भी हम वहाँ करते हैं, बट फिलहाल आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग आई है. ये हमारी मल्टीपर्पज व्हीलचेयर है, ये कभी कभी बैठे पेशेंट्स बैठते हैं और मोस्टली मैं बैठता हूँ सीन से पहले. हाँ, और फिर हम इनको जब ये सीन में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते, हम इनको ऐसे लेके आते हैं, प्लीज डॉक्टर सेट सीन कर लो, रेडी हो जाओ, और ये करने लग जाते हैं हम. फिर मैं ब्रेक मारता हूँ और फिर मैं अपने आप को डॉक्टर सिट के अवतार में लाता हूँ. बट ये इस समय आप देखें, ये जो मशीन
आपने बनाई है, किस चीज़ की मशीन आप बोलना पसंद करेंगे डॉक्टर से बताना? दैट्स द MRI मशीन। दैट्स राइट। और ये एक्चुअली में बहुत ही महंगी मशीन है, बट हमारे जो आर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक फैबुलस जॉब किया। अभी तो लाइट्स वाइट्स ऑन नहीं हुई है, बट इट लुक्स जस्ट लाइक वेरी रियल महंगी मशीन। वेरी रियल। और यहाँ हम पेशेंट्स को लिटाते हैं और फिर MRI ऑटोमेटिकली अंदर जाता है। अभी मैं आपको हाथ से करके दिखा रहा हूँ, पर एक बटन है। एंड या आई मीन MRI तो एक हर हॉस्पिटल का एक अहम पार्ट होता है, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर। सो दैट्स मल्टीपर्पज रूम। ये पिछले दिन परसों हमने MRI का सीन किया था। वैसे यहाँ पे OT होता operations है, होते मेजर ऑपरेशन फ्रॉम लिवर ट्रांसप्लांट्स टू हार्ट सर्जरीज टू एवरीथिंग। दैट्स राइट। एंड ऑल्सो वी हैव अ व्यूइंग स्टेशन। सो ये आप ब्लाइंड्स के पीछे, इट्स अ ग्लास एंड देयर इज अ स्टैंडिंग एरिया। डॉक्टर शानी आपको दिखा सकती हैं। ये अभी फिलहाल तो यहाँ सारा सामान है, बट इट्स अ हाँ आई नो, बट आई थिंक यहाँ सामान भी बहुत है। आप देख सकते हैं, ये बेसिकली कोई ऑपरेशन होता है तो यहाँ खड़े होकर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ कि फेलियर हुआ। सो दैट्स द व्यूइंग गैलरी। एंड इट्स आल्सो लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द जूनियर डॉक्टर्स एंड द फर्स्ट ईयर्स हु कैन वॉच सीनियर डॉक्टर्स परफॉर्म सर्जरीज जो हम लोग करते हैं। अब मैं एक्चुअली आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि सिंस हम लोग डॉक्टर ईशानी और डॉक्टर सिद्ध के थ्रू आपको एक टूर करवा रहे हैं, ये लुक कंप्लीट तब होता है जब हम अपने कोट्स पहनते हैं और साथ में एक स्टेथोस्कोप लगाते हैं। आई थिंक दैट जस्ट कंप्लीट्स द लुक एंड मैं आई स्टार्ट लिविंग ईशानी। आई एम श्योर यू स्टार्ट लिविंग। आई टोटली फील दैट बिकॉज़ एज डॉक्टर्स वो वाइट कोट ही है जो कैरेक्टर माना और ये है मेरा पिंक स्टेथोस्कोप व्हिच इज मोर वेरी फैंसी और ये है सिड का रेड। सो वी हैव आवर आईडीज एज वेल बिकॉज़ हर हॉस्पिटल में हर डॉक्टर की एक आइडेंटिटी होती है राइट व्हिच नीड्स टू बी ऑन एट ऑल टाइम्स। साथ साथ मैं आपको बहुत अच्छी जगह लेके जाऊंगी, वो है फार्मेसी। यहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट बैठे हैं। फार्मासिस्ट ही होते हैं वो? करेक्ट। हाँ, जो दवाइयाँ देते हैं और सारी दवाइयाँ जरा एक नाम नहीं ले सकती। हाँ, तो एक बुखार की दवाई देना, एक कफ सिरप दे देना, तो वो सब बैठ के वो ये करते हैं। रेस्ट अश्योर ये सारे एक्सपायर्ड नहीं हुए हैं दवाइयाँ, तो ये फ्रेश स्टॉक है जो रोज आता है और हम रोज इस्तेमाल करते हैं। बट इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग ये सारी चीजें। जब मैंने पहली बार सेट देखा था मैंने कहा था ओह माय गॉड यार यहाँ सब कुछ है, सब कुछ है। दीज आर द ऑर्गन्स दैट कम इन टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रांसप्लांट्स। अभी तो खाली है बट यूजली आइस बॉक्स में ही लेके आते हैं। एंड बहुत सारे सीन्स हो चुके हैं ऑलरेडी जिनमें आप इन बॉक्सेस का इस्तेमाल देखेंगे। जो सबसे रिलैक्सिंग हमारे लिए एरिया है अपार्ट फ्रॉम द रिक्रिएशन रूम, वी हैव द कैफेटेरिया जो वहाँ पे हम वड़ा पाव और सब कुछ खाते हैं। वहाँ पे चाय कॉफी वड़ा पाव रोमांस सब कुछ करते हैं, कशन एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, वो सब इस एरिया में होता है। तो आप लोगों को आई थिंक वी वांट टू शो यू कितना अच्छा, इतना मस्त ऐसी मूड लाइटिंग के साथ। हाँ, और लवली कलर कॉम्बिनेशन ऑफ चेयर्स एंड ऑल ऑफ दैट्स दैट्स द कैफेटेरिया। हमारा जो सेटिंग डिपार्टमेंट है और आर्ट डिपार्टमेंट है, आई थिंक दे हैव डन most fabulous job with each and every part of this hospital and set. Yes. I mean, I don't think koi keh sakta hai ki ye set hai. I mean, you can actually, you know, call it a hospital. Yeah. आज तक हमने जो भी अभी तक तो दो सीन यही किए हैं, एक दो सीन यही किए हैं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट लवली टेबल, दिस इज हमारी फेवरेट टेबल है। इज द सेंटर टेबल। सेंटर टेबल है तो वी आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड ये हमारी टेबल फेवरेट है। और आई थिंक आई लाइक द वाइब हियर यार, ये जो ऐसे ग्रीनरी का जो टच दिया है, ग्रीन्स का जो टच दिया है, बहुत अच्छा माहौल बना देता है कैफेटेरिया को, एकदम टोटली डिफरेंट। इज लाइक हम नेचर के अंदर आ गए हैं। बिल्कुल। येट बीइंग इन अ हॉस्पिटल और अ बिल्डिंग। या एंड देन एक और चीज़ है, जैसे कि आज आपको थोड़ा शायद हॉस्पिटल खाली लग रहा होगा, पर रोज जब हम आते हैं शूटिंग भी कर रहे होते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीन लॉट ऑफ नर्सेज, लॉट ऑफ वार्ड बॉयज, लॉट ऑफ कमोशन हैपनिंग, यू नो। ऑफ कोर्स अपना पूरी टीम होती है सेट एंड जैसे हॉस्पिटल में होता है, करेक्ट। सो वो फील आज शायद थोड़ी मिसिंग हो, बट आपको हमारे जब आप ऑन सेट लोकेशन और सब कुछ कवर करेंगे तब आप देखेंगे कि कितना मजा आता है ये शूट करने में।
यहाँ जो हमने देखा जो बाकी जगह नहीं है, आई थिंक यार यहाँ ना मुझे ऐसा लगता है, पहली बात है कि सब कुछ है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो नहीं है, बहुत अच्छा, इट इज़ अ वेरी रियल सेट. दूसरी मुझे ना यहाँ की वाइब ना हॉस्पिटल वाली लगती नहीं है, तो मुझे ऐसे बीमार वाली फीलिंग नहीं आती. हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, आई स्टार्ट फीलिंग लाइक बीमार कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई है. और यहाँ पे क्या है ना कि जो चीज़ नहीं भी है वो बन जाती है. So that's the beauty of being on a set where just जो भी मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो जो जो हमारे सीन में जरूरत है जिसकी आ जाता है, बन जाता है. जैसे कि आपने देखा MRI जो मशीन है, it's been made, looks so real, and hats off. I think everything that we use like syringe और ये सब syringe बोलते हैं, all those are real. वो सारी चीजें real हैं और BP के मशीन हैं, ये सारी चीजें बहुत real हैं. तो we are experiencing सब कुछ real है, ऐसा कुछ भी वो नहीं है, you know. और बन जाता operation भी हम लोग के जो what do you call these equipments, what is all of that, there's one artery forceps and those plies, everything is actual instrument jo hame doctors ne actually aake explain bhi kiya tha ki unhe pakadte kaise hai, unka istemal kaise karte hain. So all these things give it more reality. I mean the scenes become so real. Aur matlab humko bhi kabhi kabhi lagta hai ki wo patient jo hamare samne hai who is actually an actor, wo asli mein usko pain ho rahi hai, hum asli mein kuch uski help kar rahe hain. So it's एक अच्छा खासा सेट बना है आतिश दादा, उसको भी तोड़ फोड़ रहे हो ऐसा. आपकी तो अभी हम स्विस में नहीं है, अभी हम संजीवनी कांजूरमार में. चलो, सो दिस इज द कैफेटेरिया, नाउ वी विल टेक यू ऑन अ टूर अपस्टेयर्स. या ये फ्लोर कंप्लीट हो चुका, वो बेसिकली एक पैसेज है जो वहां जाके कनेक्ट करता है, व्यूइंग गैलरी है बेसिकली. हां, सो नथिंग वेरी वेरी मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है जो हम दिखाएं, बट आपको ऊपर लेके जाना चाहेंगे. वहाँ बड़े अच्छे अच्छे एक लाइब्रेरी है, एक रिक्रिएशन रूम है, हमारे वहाँ कैबिन्स भी बन जाते हैं डॉक्टर वर्धान, सॉरी वर्धान सर के, मतलब रोहित रोहित जो प्ले कर रहे हैं. इवन दिस एक्चुअली दिस इंस्टॉलेशन इसका भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है सीन्स में, यू थ्रो लाइट एट इट एंड देन देयर्स मिरर्स, सो इट रिफ्लेक्ट्स लाइट्स लाइट ऑल अक्रॉस एंड इट जस्ट मेक्स द सीन लुक इवन मोर ब्यूटीफुल. यहाँ पे हमारे बहुत सारे झगड़े हुए हैं. हाँ, और आगे भी होंगे. चलिए, अब हम 31st फ्लोर पे आ गए हैं खुदी स्टेज चढ़ के. सो बट यू सी दिस इज सच एन एक्सपेंडेड ह्यूज सेट. ये कभी कभार मीटिंग रूम बन जाता है, बट फिलहाल अभी ये रिक्रिएशन रूम है. रिक्रिएशन रूम, ऑल्सो द लाइब्रेरी. Also the library. So lights on कर दिया. चल. You can pretend to play air TT. चल. अच्छा अच्छा. Yes. 1, 2, 3. Good shot. So snooker table. You call the snooker table? Pool table. Pool table. I don't know the difference, but yes, pool table and then there is a table tennis. And यहाँ पे किताबें हैं, इनमें से कई किताबें हैं जो असली की medical किताबें हैं जो मैंने खोल के देखी हैं, और वहाँ पे notes भी मिले मुझे. और कुछ समझ में नहीं आया. ये सही है. हाँ. जैसे कि ये fake किताब है. Sorry. But yeah, I mean there are books which are real. Real. Yeah, yeah. And these books are real. I mean, there are actual doctors who have given notes here. So sometimes when we are pretending to do scenes. लगता है कि हम एक्चुअली में कुछ कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल पेशेंट्स को दे रहे हैं. सर्जरी के ऊपर किताब है, फाइनली फाउंड. ये हो, ये फोटो ही मुझे देख के कुछ हो रहा है, बट हाँ ये सब देखिए सच्ची में तो हम लोग सीन्स में यूज करते हैं यार. ओके, ये जो कमरा है अभी जैसे कि आपको रिक्रिएशनल रूम दिख रहा है, समटाइम्स उसको बना देते हैं लॉकर रूम, कभी मीटिंग रूम, कभी जस्ट स्टडी रूम like a library ka extension. So we have multiple purposes for every space that we have in this I think see why also jab ye sawal pucha tha ki hospital wali feel zyada deta nahi hai, kitne sundar colors use kiye hain sofa pe, you know all these English colors, some of the greens and the reds, it's lovely color combinations and I think wo ekdam mujhe modern
वाला फील देता है. या वो सवाल जो था कि बाकी हॉस्टल में क्या, इट्स इट्स गॉट दैट वेरी मॉडर्न टच, होटल फाइव स्टार, यू नो, गुड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, नाइसली डन, क्लीन, हाइजीनिक, राइट. एंड या आई मीन बिल्कुल, आइए नीचे आराम से देखते आइए. अनदर रूम. हाँ, ये फिलहाल हमारा जनरल वार्ड. चलिए नमित, लेट जाइए, इस पे दो बेड्स हैं, आ जाइए, लेट जाइए, मैं आपको ट्रीट करती हूँ. हाँ, ये सब लेट जाइए, मिला है हमें डॉक्टर. मेरे पेट में, पेट में है प्रॉब्लम. एक सेकंड, आपने आज लंच में कुछ ठीक नहीं खाया? क्या खाया था आपने? आपका पेट खराब लग रहा है मुझे. आपने तो कुछ सड़ा हुआ कुछ तो गलत खाया है. अच्छा, आपकी हार्ट बीट ठीक है? मुझे देख के कम हो गई है. बढ़ जाती है. चलिए सर, दीज आर द हॉस्पिटल बेड्स. व्हाट डू यू कॉल देम? बेड्स, राइट? गर्नी कहते हैं इसे एक्चुअली. नो, बट वो जो मूव करते हैं, इनको भी मूव कर सकते हैं ना. ओके, बट या उससे वो थोड़ा सा लिटिल लेस फैंसी. आई थॉट स्ट्रेचर एंड द गर्नी वाज, सो यस, ये भी कभी लग्जरी वार्ड भी बन जाता है ये, और ये नॉर्मल वार्ड भी बन जाता है. ये है मॉनिटर जो हमेशा सीन के बीच में बीप करना शुरू करता है, और इसकी वजह से बहुत बार रीटेक हुए हैं, बट इट्स ओके, सीखेगा. बट सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अबाउट, वी आर ट्राइंग टू से इज कि रियल स्टफ है यार ये. मशीन्स चलती हैं, इनको ऑन करो तो सब चलता है. ये सब आप देखेंगे, सब टैबलेट्स वैबलेट्स, ऑल दिस इज रियल, नथिंग इज फेक, एंड दैट्स हाउ यू नो अ हॉस्पिटल शुड बी. यस, वी हैव ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एवरीथिंग वी हैव, यू नो, जो पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रॉम योर आईवी टू योर ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर आवर सीन्स. लाइक यू कैन सी जनरल वार्ड है आपके पीछे. या इट्स योर रूम था. ये है जो गर्नी, जो हाँ, जो हम घुमाते हैं हर जगह. इसमें लेट कर भी बहुत मजा आता है. अब आपको जनरल वार्ड में लेके चलेंगे. देखिए कितने खूबसूरत तरीके से हमने बनाया है. बट सी अनदर थिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज कि जिसने अभी हाथ नहीं धोए वो सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ कर सकता है. ये एक्चुअली सिस्टम होता है हॉस्पिटल्स में. हर बेड के पास एक सैनिटाइजर होता है. सो एवरी, मतलब कितनी छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल तरीके से इतने फुर्सत में बनाया गया है, वो आप देख सकते हैं. हर चीज़ पे अटेंशन दी गई है. प्लस हम लोग जब भी सीन्स करते हैं तो वी हैव टू, स्पेशली सर्जिकल सीन्स, हमें ग्लव्स और अपना गाउन प्रॉपर गियर पहन के हम अपना ओटी में एंटर करते हैं. एवरी टाइम वी हैव टू मेक इट अ पॉइंट बिकॉज हम नकली दिखा नहीं सकते. राइट, सो दीज आर, वो सलाइन चलाते हैं जहाँ, वो सब है. यस, दैट्स अबाउट इट. नो पेशेंट्स इन हियर राइट नाउ. सब ठीक है. आज हॉस्पिटल की छुट्टी है क्योंकि आज बंद है बॉम्बे. हम करते हैं यार. मैंने तो एक दिन सीन चलते शॉट में, तुम गिरो मत आशिमा, वो जो होता है जैसे लिक्विड में से सीरीन से लिक्विड निकालते हैं, ऑल ऑफ दैट, वो सब सीखा है करना. इसने भी हम तो दोनों ने, सारे सब ने सीखा है. आई मीन आप देखेंगे बट प्रोसीजर्स क्या हैं, क्या है. हाँ, काफ़ी मतलब वी आर ट्राइंग टू, टर्म्स भी पढ़ते हैं हम यहाँ पे आके. तो आई थिंक इट्स अ, मुझे ऐसा लगता है एक्टर से काफ़ी कुछ बियॉन्ड है ये प्रोजेक्ट मेरे लिए. आई डोंट नो अबाउट नमित, बट मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ आती हूँ और मैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग इन डॉक्टर शानीज यू नो कैरेक्टर, मैं टर्म्स पढ़ती हूँ, उनकी मीनिंग क्या है. हम लोग सब स्क्रिप्ट में वही पढ़ते हैं कैसे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं. तो आई थिंक ये बहुत ही, इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, क्योंकि आई थिंक पिछले वाले संजीवनी या दिल मिल गए वॉज नॉट सो मच इन टू द मेडिकल टर्म्स या मेडिकल चीज़ें. यहाँ हम यूज़ भी करते हैं और मुद्दे भी डिस्कस करते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी इम्पार्ट करते हैं, जो बहुत ही डिफरेंट है इस सीज़न.
और रियल केसेस के बारे में हमें जानकारी मिलती है और जो भी केसेस अभी तक हमने शूट किए हैं जेन्युइनली ये रियल केसेस हैं. जब आप एपिसोड देखेंगे आप बोलेंगे ओह ऐसा भी होता है. ओह ऐसा भी होता है. एंड वो भी जो भी केसेस आ रहे हैं दे ऑल अप्रूव्ड बाय द डॉक्टर. सो डॉक्टर्स स्क्रिप्ट स्क्रीन पे एवरीबॉडी सिट्स ऑन इट एंड उसमें भी फीडबैक आता है डॉक्टर्स का. इनफैक्ट सम ऑफ द डॉक्टर्स इवन पुट इन यूट्यूब वीडियोस फॉर द रियल सर्जरी. सो मतलब इट्स टेकिंग इट एज natural area and also very real. Yeah, yes, it's great. तो ये बहुत बड़ा सा हमारा जनरल वार्ड है, देख सकते हैं. अब यही जो फ्लोर आपको दिख रहा है, मैंने सही कहा था 31st फ्लोर. आई थिंक दैट वाज जस्ट अ गेस. आई स्वेयर टू यू. नो एक्चुअली आई स्वेयर टू यू एंड आई जस्ट सॉ इट्स 31st रिटन. एनीवे सो जैसे कि ये कॉरिडोर है अभी हम लोग 31st फ्लोर पे हैं तो ये फ्लोर बदलते रहता है. एंड वी ऑल्सो हैव अ ग्रीन स्क्रीन दैट गिव्स अस अ फील ऑफ अ डिफरेंट बैकड्रॉप एवरी टाइम एंड दैट्स हाउ यू नो द ग्रैंडियर ऑफ आवर हॉस्पिटल वी सो ऑन. एंड दैट्स अबाउट इट. आई थिंक वो सब नीचे जाके वहीं मिलता है. यहाँ पे दो तीन और रूम्स हैं. एक डॉक्टर जूही का कैबिन बन जाता है कभी. सो वी हैव मेड अ ह्यूज 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 सेट. एंड ये रहा हमारे खूबसूरत संजीवनी के सेट का टूर. मोर लाइक संजीवनी हॉस्पिटल का टूर. और बाहर जाके भी गार्डन एरिया बनाया बहुत खूबसूरत. एक अच्छी सी नर्स सुंदर सी हॉट सी खड़ी भी है. कुछ बेबी लेके कुछ तो है ऐसा. तो वो सब भी आप बाहर जाके कवर कीजिएगा. बट दैट्स आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और आपको देखने को मिलेगा हमारे शो में. एंड यू विल रियली सी हाउ ऑल दिस दैट यू हैव सीन राइट नाउ वो इतना खूबसूरती से दिखाया गया. इट कम्स अलाइव. यस. People and all of us doing our best. So thank you. आप सब लोग आए, अपना कीमती समय हमें दिया और ये हमारे हॉस्पिटल का टूर भी आपने दिया. सो प्लीज़ हम सबकी मेहनत एज ए जॉइंट एफर्ट एक टीम की तरह हम रंग लाएगी. 12 अगस्त को 7:30 बजे शाम को 7:30 बजे 12 अगस्त नहीं तो मैं ये लेके आऊँगी और आपकी हड्डी थैंक यू.